बिल्कुल सच बताता हूँ यार, दिमाग से उतर नहीं रहा एनिमल का ट्रेलर, रगों में बस गया है लिटरली। चाहे वो वायलेंट किरदार हो या फिर इमोशनल, कोई भी सीन हो, वो जो सॉन्ग बजता है बीच में इमोशनली, वो उसके साथ साथ वो सारे के सारे वायलेंट सीन, वायलेंट के साथ इमोशन का कॉम्बिनेशन, स्टोरी की वाइब्स, हर एक कैरेक्टर की अहमियत, बहुत सारा चीज जो कि मतलब टेक्निकली देखे तो BGM, वो कैमरा वर्क, क्लोजअप शॉट, सारा का सारा दिमाग में छा गया, एवरीथिंग। भाई मैं देखो, मैं अपनी जो इससे पहले जो रिव्यू दिया हूं मैं एनिमल के ट्रेलर का, उसका कमेंट मैं देख रहा था, कुछ लोग मुझे भी कह रहे हैं कि मतलब ओवर एक्टिंग कर रहा है ये। अगर आप लोगों को ओवर एक्टिंग लग रहा है ये सारा चीज ना गाइस, तो मेरे ख्याल से आप लोगों का ऐसा हालत नहीं हुआ होगा। अगर आप लोगों का ऐसा हालत नहीं हुआ है ना, तो लिटरली आपको एनिमल मूवी हजम नहीं हो रहा, पता नहीं आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है आपको, मैं नहीं जानता क्यों हजम नहीं हो रहा है, मुझे नहीं पता। आपका भी तो ऐसा हालत होना चाहिए। मैं मेरे लिए गुस्सा नहीं कर रहा हूं, मैं गुस्सा कर रहा हूं एनिमल मूवी के लिए कि आप उस मूवी को उस कदर अपना नहीं पा रहे हो जितना मैं अपना चुका हूं और बाकी लोग अपना चुके हैं। इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट क्यों मिला है पता है? मैं जितना फील किया हूं, अभी मैं जितना फील कर पा रहा हूं, वो मैं आपको बताता हूं। इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिलने की वजह यह है मेरे भाई, जब हम ये ट्रेलर देखे तो हम लोगों का हालत अगर इस तरह हो सकता है ना, तो ट्रेलर में एकदम से गर्दन उड़ाने वाला, हाथ पैर काटने वाला, एकदम से खून खराबा टाइप का दिखाया गया, नहीं, कोई सेक्सुअली मतलब उस तरह का रोमांटिक सीन दिखाया गया, नहीं, बच्चों को ना देखने जैसा, जिसको हम समझते हैं डायरेक्टली वैसा नहीं, लेकिन वायलेंट फील हो रहा है अंदर से, जेनुइनली एक डर, जैसे हम कोई हॉरर फिल्म देखते हैं ना, बिल्कुल वैसा, कि भाई पता नहीं एक सेकंड के बाद क्या हो जाएगा। और फिल्म मतलब ये ट्रेलर देखने के बाद दिमाग में कुछ अलग चल रहा है, मतलब बोल नहीं पा रहा हूं मैं, आप महसूस कर सकते हो इसे। अगर हम लोगों का यही हालत हो सकता है तो बच्चों का क्या होगा, शायद इसलिए मिला है। इतनी वायलेंट को प्रेजेंट करने का भाई कोई कैसे कर सकता है यार, कोई कैसे कर सकता है? अगर आप किसी को कहोगे कहोगे कि तू अपनी प्ले में अपनी 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 जो कुछ भी तू बना रहा है, फिल्म बना रहा है, नाटक बना रहा है, जो भी कर रहा है, तू वायलेंट दिखा, तो कहीं क्या करेगा, मारेगा, काटेगा, जितने मतलब हो सके जिंदा आंख निकाल देगा, दांत खींच लेगा, बहुत सारी फिल्मों में आप देखे होंगे उस तरह का वायलेंट वो दिखाएगा। लेकिन उस तरह का वायलेंट दिखा करके भी इतना वायलेंट फील नहीं होता है, इतना डर नहीं लगता है जितना ये ट्रेलर में लगा है। तो ये सारा चीज पॉसिबल हुआ कैसे, कोई कैसे दिखा सकता है? संदीप रेड्डी वांगा क्या काम किए हैं भाई। देखो टेक्निकली अगर बात करें तो इसका BGM बहुत जबरदस्त है, जो कि ये वायलेंट को प्रेजेंट करने में मदद कर रहा है। इसका जो 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 सिनेमेटोग्राफी है, जो जो कुछ भी मतलब जो टेक्निकली जो चीज होती है कि कौन से सीन में कैसा कलर देंगे, क्या करेंगे, कैमरा वर्क जो होता है, कौन से सीन को कैसे दिखाएंगे, कौन सा फेस को कौन से एंगल से दिखाएंगे, क्लोजअप शॉट कितना लेंगे, कितना नहीं लेंगे, क्या होगा, वो तो टेक्निकली काम करते हैं। संदीप रेड्डी वांगा जी का डायरेक्शन कि कैसे दिखाएंगे, क्या करेंगे, क्या कैसे बताएंगे, क्या करेंगे, वो तो है। लेकिन उसके साथ साथ भाई मैं ये जितने भी एक्टर्स हैं ना, इनकी इनकी एक्टिंग को दाग देना चाहता हूं भाई। मैं रणबीर कपूर का बहुत बड़ा फैन बन गया भाई, उनकी आंखें, उनकी एक्टिंग, उनकी एक्सप्रेशन, ओ माय गॉड, हर एक कैरेक्टर में आपको वायलेंट दिखेगा, हर एक कैरेक्टर में आपको इमोशन दिखेगा। ये किस तरह की फिल्म बना रहे हैं यार, इसे कहते हैं असली फिल्म यार, जो कि एक ट्रेलर आया एकदम से दिमाग पे छा गया। जब हम फिल्म देख करके लौटेंगे तो क्या हालत होगा हमारा भाई साहब, क्या हालत होगा हमारा।
बॉबी देओल सर को एक भी डायलॉग नहीं दिया गया है, चंद सेकंड का दिया गया है। बॉबी देओल का असली तहलका जो फिल्म में हमें देखने को मिलेगा, पहला जो शॉट होता है उनका, जो ऐसे चुप करवाते हैं साइलेंट वाला इशारा करके, रो रो के, रो रहे होते हैं। बीजीएम भी इमोशनल वाला वो सॉन्ग बज रहा होता है, लेकिन उनकी आंखें, उनकी कैरेक्टर, उनका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होता है कि बंदा एकदम से फाड़ डालेगा, किसी को भी उड़ा देगा, इतना खतरनाक बंदा है, फील होता है वो। और वो फील करवाने का क्रेडिट बॉबी देओल को जाता है भाई। बिल्कुल वैसा ही रणबीर कपूर के साथ भी होता है, उसकी डायलॉग डिलीवरी बिल्कुल शांत स्वभाव के, मैं ऐसा कर दूंगा पापा, मैं वो कर दूंगा पापा, यस पापा, ओ पापा, वो पापा, पापा 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 करके इतना शांत स्वभाव में डायलॉग बोलते बोलते भाई साहब बंदा इतना वायलेंट दिखा दिया, इतना खतरनाक दिखा दिया भाई साहब, मैं आपको क्या बताऊं। देखो स्टोरी की थोड़ा सा मुझे वाइब्स मिला, जो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बाप बेटे के रिश्ते के ऊपर फिल्म है। पहले बाप का वो वायलेंट रूप देखने को मिलेगा, जो बेटे को टाइम नहीं दे रहा है, बेटे को वो अच्छा नहीं बोलेगा, वो अपने बेटे को समझ नहीं पाएगा, और शायद वो उसे घर से निकाल दिया है, शायद उसकी शादी के लिए क्या होगा पता नहीं क्या रीज़न है, घर से निकाल दिया है। फिर पापा के ऊपर मतलब कोई विपत्ति आ गई है, फिर बेटा लौट आया है, लौट के सब कुछ सेट है, लेकिन बेटे का वायलेंट देखने को मिलता है वहीं पे। वो फिर एकदम से गुस्से से आया है कि जिसने अपने पापा को कुछ भी ये किया है, तो जो भी परेशानी क्रिएट किया है उसको छोड़ेगा नहीं, मार डालेगा, और वहीं पे वायलेंट शुरू हो जाता है। देखो आम तौर पे ना हर एक फिल्म की कहानी जो है ना गाइस, हम अगर कोई 5-7 चीज़ों को ले लेंगे ना, तो हर एक फिल्म की कहानी जो है वो सेम ही है। लव हो गया, पैसा हो गया, पावर हो गया, कोई साइको किलर टाइप का हो गया, है ना, कुछ ऐसी चीज़ों को अगर हम देखेंगे तो 5-7 तो रीज़न निकलते हैं, वही रीज़न के अकॉर्डिंग हर एक फिल्म बनती है। तो देखा जाए तो कहानी सारे के सारे फिल्मों का सेम ही होता है, लेकिन कोई फिल्म अच्छा होता है, कोई फिल्म बुरा होता है। क्यों? अच्छा फिल्म का प्रेजेंटेशन बहुत ज़बरदस्त होता है, और संदीप रेड्डी वांगा वो चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। देखो कबीर सिंह जो फिल्म आया था, वो फिल्म में एक लव स्टोरी, वो फिल्म तो एक लव स्टोरी फिल्म था, कॉलेज में लव हुआ, फैमिली नहीं माने, दोनों अलग हो गए, बाद में फिर पता चला कि दोनों एक दूसरे के लिए ही जी रहे हैं, कोई किसी को शादी नहीं कर पा रहा है, तो फिर दोनों मिल जाते हैं, पैचअप हो जाता है, हैप्पी एंडिंग हो जाता है ना, इतना ही है ना। कितने सारे फिल्मों में आप देखोगे, लिस्ट नहीं कर पाओगे आप, उतना सारा फिल्म हो जाएगा, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन उतना ज़बरदस्त था, एक कैरेक्टर को इतना ज़बरदस्त कर दिया संदीप रेड्डी वांगा, जो कि फिल्म एकदम से छाप छोड़ दिया। यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही है, बाप बेटे के रिश्तों को लेकर के कितने सारे फिल्म बनी है, लेकिन इस फिल्म में कैरेक्टर को जिंदा किए हैं संदीप रेड्डी वांगा, कुछ ऐसा कैरेक्टर इसमें डाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, और वो अपनी कैरेक्टर को ले करके ही फिल्म का टाइटल रखे हैं एनिमल, जो कि आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि एनिमल वाकई में है कौन, वो बॉबी देओल है या फिर रणबीर कपूर है, क्योंकि दोनों का काम बिल्कुल वैसा ही जाएगा, और दोनों डराएंगे, खूब डराएंगे, और दोनों का कैरेक्टर बहुत खतरनाक होगा। और ये जो कैरेक्टर जो क्रिएट किए हैं ना, वायलेंट वाला कैरेक्टर, चाहे वो कबीर सिंह का हो, अर्जुन रेड्डी का हो, या फिर ये एनिमल का हो, ये कैरेक्टर ही असली क्या बोलते हैं उसे, असली पावर है संदीप रेड्डी वांगा की, जो ये सारी फिल्में जो है ना छाप छोड़ेंगे एकदम से भाई। लिटरली यार संदीप रेड्डी वांगा को मान गए, इतना जबरदस्त प्रेजेंटेशन, इतना जबरदस्त फिल्म, जो कि इसलिए यार वो एकदम से कॉन्फिडेंट है अपनी फिल्म को लेकर के, जो कि बिंदास करते हैं, बिंदास वीडियो में आते हैं, बिंदास बोलते हैं, बिंदास सब कुछ, मैं इतना सारा गाना डालूंगा, इतना सारा ये करूंगा, मैं अपनी फिल्म को लेकर के, स्पिरिट की बात क्यों करते हो, अभी एनिमल आ रहा है ना, एनिमल की बात करो, इस तरह का रिएक्शन होता है उनका, ठीक है, मतलब वो अपनी फिल्म को लेकर के फुल कॉन्फिडेंट इसलिए होते हैं, मैं अपनी फिल्म को पूरा लेंथ पूरा पूरा लंबा कर दूंगा, 3.5 घंटे का कर दूंगा, तो क्या हुआ, फिल्म अच्छी होनी चाहिए, फिल्म अच्छा होगा तो 3.5 घंटे के फिल्म को भी लोग देखेंगे, पहले नहीं देखते थे क्या? ये होता है असली डायरेक्टर की निशानी यार, जो हम समझ गए। ये सर्टिफिकेट को कितने डिजाइन से वो शेयर किए हैं पता है, कोई और डायरेक्टर होता तो चिंता में पड़ जाता कि ये सर्टिफिकेट हो गया है, ऑडियंस कम हो जाएंगे, लोग देखने नहीं आएंगे, कैसे होगा, क्या होगा। फिल्म का बजट 100 करोड़ है, 100 करोड़ के अंदर कितना कुछ दिखा रहे हैं, देख रहे हो, मजा आ गया यार लिटरली, ये ट्रेलर बहुत खतरनाक है। अब देखना ये फिल्म कितने
बाप लेवल पे जा रही है भाई। मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसी फिल्में जबरदस्त कलेक्शन करनी चाहिए, और ये आप लोगों के हाथों है। जो मुझे कोई कमेंट किया है ना कि ओवर एक्टिंग, मेरी ओवर एक्टिंग इसको दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि वो ट्रेलर को वो साथ नहीं दे पा रहा है। भाई ऐसा मत करो, ठीक है ना, ऐसा मत करो। किसी हीरो को सपोर्ट करने का मतलब, किसी हीरो को प्यार करने का मतलब ये नहीं होता कि आप एंटायर फिल्म इंडस्ट्री, एंटायर इंडियन सिनेमा, एंटायर पूरा का पूरा फिल्म दुनिया को ही आप नफरत करने लग जाओगे। कोई अच्छी चीज़ आएगा तो उसको सपोर्ट नहीं कर पाओगे। नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ये गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका हीरो भी उसी इंडस्ट्री में ही आया है, इसलिए आप उसके फैन हो, है ना। तो किसी हीरो की वजह से किसी फिल्म को नफरत करना गलत बात है, ठीक है। और ये संदीप रेड्डी वांगा की जो फिल्म आ रही है ना, एनिमल मूवी, लिटरली डिजर्व करती है सभी का प्यार, सभी की अटेंशन को डिजर्व करती है। दे ही देगा, मतलब दे ही देना चाहिए, एक्चुअली अटेंशन लग ही जाएगा, ऑटोमेटिकली लग ही जाएगा। और अगर नहीं लगा है ना, तो आप अपने हीरो की पिक्चर अपने दीवार पे चिपकाओ और रोजाना पूजा करो भाई। आपसे फिल्म देखा नहीं जाना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, बस उसका ही फिल्म देखना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का कमेंट मत करो, मुझे बहुत बुरा लगा, एक्चुअली बुरा लगा मुझे, ठीक है ना। ये नहीं, ये वीडियो बनाने का ये मकसद नहीं था। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि भाई दिमाग से उतर ही नहीं रहा, रगों में बस गया है एकदम से ट्रेलर, है ना। और इस ट्रेलर की माफी अगर फिल्म है ना भाई, बहुत जबरदस्त होने वाला है, लिटरली बहुत जबरदस्त होने वाला है, सच में। किन किन का ट्रेलर देख करके हाल पूरा एकदम से बेहाल है, जरूर कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।